सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ओप्पो इंडिया में लेके आ चुका है अपने एक नए ब्रांड न्यू ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, और यहाँ पे दोस्तों ये है हमारे पास में ब्रांड न्यू ओप्पो एनको एक्स। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करता हूँ इन्हीं ओप्पो एनको एक्स के बारे में। कर दें इनको अनबॉक्स, देखते हैं कैसे ईयरफोन्स, क्या है यहाँ पे कुछ खास नए फीचर्स, बातें जो है वो बहुत शानदार कर रहा है ओप्पो, देखते हैं कि प्रोडक्ट में आखिर कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इन्हीं ओप्पो एनको एक्स ईयरफोन्स की, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे दोस्तों इनका बॉक्स जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, जहाँ पे सामने ही है डायना ऑडियो की ब्रांडिंग। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में अगर हम बॉक्स को पीछे देखें तो कुछ मेन डिटेल्स को मैंशन किया गया है, जहाँ पे इसी जो है दोस्तों ईयरफोन्स के कुछ मेन फीचर्स के बारे में हमको बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम करते हैं इस बॉक्स को ओपन, तो बॉक्स के अंदर है एक और बॉक्स और ये ब्लैक कलर में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों ये है एकदम बहुत ही हाई क्वालिटी के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स ओप्पो की तरफ से। इस बॉक्स को ओपन दोस्तों करते हैं तो अंदर है एक सेक्शन जहां पे है काफी डिटेल्ड ये यूजर गाइड, इसी के साथ दोस्तों यहां पे रखे हैं फिर ये मेन ईयरफोन्स। क्या हम बात करते हैं इनके बारे में आगे बढ़ते हुए, जो कि व्हाइट कलर में काफी अच्छे लग रहे हैं। साथ दोस्तों हमारे पास में है यहां पे कुछ ही एक्स्ट्रा ईयरबड्स, और फिर है ये एक यूएसबी ए टू सी केबल। और फिर यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखते हैं ना इन ईयरफोन्स के केस को, तो यार ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, जहाँ पे दोस्तों हमको एक सिल्वर एक बैंड देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास में है ओप्पो की ब्रांडिंग, साइड में दोस्तों एक बटन है पेयरिंग के लिए, नीचे है यूएसबी सी पोर्ट, वैसे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। पीछे दोस्तों यहाँ पे ब्रांडिंग है डायना ऑडियो की, जो कि एक डैनिश कंपनी है। और फिर यहाँ पे है हमारे पास ओपन करने के बाद में कुछ ऐसे रखे हुए यही ओप्पो एनको एक्स ईयरफोन्स, जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो डिजाइन के अंदर काफी सारे हमको एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो भरपूर है, और जो दोस्तों पेयरिंग प्रोसेस है वो बड़ा ही सीमलेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप जो है वो सिंगल टैप से क्या करना चाहते हैं, या फिर आप डबल टैप से, या फिर इनफैक्ट दोस्तों प्रेस एंड होल्ड से, या ट्रिपल टैप से, या फिर आप दोस्तों सीधा यहाँ पे वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं जो साइड में आपको मिल जाता है टच सेंसिटिव एरिया एसी की मदद से। तो बेसिकली ऑल इन ऑल यहाँ पर दोस्तों काफी ये मतलब यू नो डिटेल्ड फंक्शनैलिटी के साथ में आते हैं। और अब अगर सबसे बात में करता हूं उनकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो मतलब यहां पर दोस्तों पहली बात तो ये कि जो फिट है ना वो बहुत ही अच्छी है, बिकॉज यहां पे हमको ये जो एक्स्ट्रा जो मतलब रबर टिप्स वाला ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने हिसाब से आपका स्मॉल मीडियम लार्ज जो साइज निकल के आता है वो फिट कर सकते हो। ऐसे में आप जो है वो ईयरबड फिट टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको जो है वो आपका फोन ही बताएगा कि भैया जो आपकी फिट है वो कैसी है। अब यहां पर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं मैं ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे हमको मिलता है एक ड्यूअल ड्राइवर डिज़ाइन, जहाँ पर दोस्तों दो ड्राइवर्स हैं 11mm प्लस 6mm। तो यहाँ पे अगर दोस्तों से बात करता हूँ मैं बेस की या वोकल्स की, या फिर दोस्तों इनफैक्ट अगर हाई फ्रिक्वेंसीज की, तो आपको जो प्लेबैक मिलता है वो बहुत ही सही क्वालिटी का है। और इनफैक्ट दोस्तों अभी जो नॉइस कैंसिलेशन है ना वो मतलब बहुत अच्छा है, और यहाँ पे अलग अलग लेवल पे उसको काम किया गया है ओप्पो की तरफ से, जहाँ पे हमारे पास में एक तो सिंपल हो गया नॉइस कैंसिलेशन, एक यहाँ पे हो गया नॉइस कैंसिलेशन मैक्स। तो जब आप उसको इनेबल करते हो तो मतलब लगता है कि आप लिटरली बिल्कुल सन्नाटे में आ गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों टॉगल करना भी बड़ा आसान है, अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप ऐसे में ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर नॉइस कैंसिलेशन के बीच में दोस्तों जो है वो साइकिल कर सकते हैं बड़े आराम से। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ मैं इनकी बैटरी लाइफ को लेके, तो ओप्पो बोलता है करीब करीब 5.5 घंटे एक बार फुल चार्ज करने के बाद में, और अप टू 20 आवर्स 25 आवर्स डिपेंडिंग आप को ऑन या ऑफ रखते हैं इस केस को यूज करते हुए। मेरे यूजर्स में दोस्तों मैं कहूंगा जिस हिसाब से मैंने इसको देखा है परसेंटेज ड्रॉप के हिसाब से टाइम जोड़ते हुए, तो करीब करीब 4.5 घंटे के आसपास का प्लेबैक टाइम, और अराउंड 4 बार जो है वो आप समझ लीजिए कि आप इस केस से इनको चार्ज कर पाएंगे। तो बैटरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है इस छोटे से फॉर्म फैक्टर देखते हुए, और ये ना काफी मतलब इतना छोटा सा है कि मतलब जैसे अगर आपने कान में पहना ना तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक बहुत ही कुछ लंबा बाहर निकल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों फिटिंग है वो मुझे तो खैर पर्सनली बहुत ही जो है वो एकदम कंफर्टेबल लगी है, स्पेशली इसी मीडियम साइज टिप के साथ में। और अगर आपसे दोस्तों बात करता हूं इसके अलावा कंट्रोल्स होते तो वो भी बहुत अच्छी बात है, जहां पे मतलब इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं कि मतलब आपने सिंपल अगर उस टाइम स्लाइड किया तो आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अक्सर टीडब्ल्यूएस में दिक्कत होती है कि यार वॉल्यूम को जो कंट्रोल करना है मतलब एक थोड़ा सा टास्क बन जाता है, लेकिन यहां पे हमारे पास दोस्तों जेस्टर्स अवेलेबल हैं कि आप स्लाइड करके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल टैप डबल ट्रिपल टैप को बड़े आराम से कॉन्फिगर भी कर सकते हैं। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और फिर यहां पे दोस्तों आते हैं ये IP54 रेटिंग के साथ में, तो ये स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंट है, तो मतलब हल्का फुल्का अगर दोस्तों आप
जो मान लीजिए आप वर्कआउट कर रहे हैं या दोस्तों अगर आप हल्की फुल्की किसी बारिश में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है दोस्तों कुछ कहानी इन्हीं ओप्पो एनको एक्स की, जहाँ पे ओप्पो ने दोस्तों अलग अलग एल्गोरिथम्स को भी यूज़ किया है। अगर आपसे बात दोस्तों करता हूँ मैं तो मतलब कैसे आपकी लेटेंसी को कम किया जाए या कैसे दोस्तों साउंड क्वालिटी उसको एनहेंस किया जाए, यहाँ पे फिलहाल खैर ये ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट के साथ में आते हैं और काफ़ी मतलब जो आपको पेयरिंग प्रोसेस है वो बड़ी आराम से मतलब अच्छी मिल जाती है आपके फ़ोन के साथ में। आप बैटरी परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं बड़े आराम से और मतलब उसी के साथ साथ में कस्टमाइज करने के लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा ऐप भी है हे मेलेडी के नाम से, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो उसकी दोस्तों प्राइस है 9,990 रुपये, उस प्राइस के हिसाब से तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही प्रीमियम TWS ईयरफोन्स है, जहाँ पे ANC का हमको ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डिज़ाइन या बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और इसके अलावा जो बाकी साउंड क्वालिटी है ना वो भी बहुत सही है। और ये है अगर कुछ कहानी इन्हीं ओप्पो एनको एक्स की। बाकी यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक गिव अवे किया जाए, तो आप बताइए कि क्या आप उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे क्या, और अगर होंगे तो आपको इन ईयरफोन्स में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक और शेयर अगर नहीं किया है तो अभी तक कर ही दो दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।